हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और अभी 3:15 बजे हैं। 3 नहीं, 3 बजे तो कृष्णा आया था। कृष्णा 3 बजे अभी स्कूल से आया है और राघव 2 बजे ही आ गया था। तो आज मैंने बनाया था पालक, जो लंच में पालक और रोटी बनाई थी। तो कृष्णा को पालक नहीं खाना है, मैंने उसे खाने का बोला तो मुझे बोला, मम्मा पालक नहीं खाना है। होता है ना, बच्चों को कम पसंद होती है ये चीज़ें, पालक वगैरह। हम लोगों को ज़्यादा पसंद होती हैं। तो उसका मन था, बोला आलू के परांठे मुझे खाने हैं। राघव भी बोला था मुझे आलू के परांठे खाने हैं। तो आलू बॉयल रखे हुए हैं, क्योंकि आलू बॉयल अक्सर मैं रखती हूँ। बच्चों का है ना, कभी मन करता है, कभी सैंडविच, कभी आलू के परांठे हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो मैं पहले अभी बच्चों के लिए बनाऊंगी 2 परांठे, एक राघव के लिए, एक कृष्णा के लिए। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं। मैं किचन में आ गई थी बच्चों के लिए पराठा बनाने के लिए। तो बस 2 ही पराठे बनाऊंगी, एक राघव के लिए, कृष्णा के लिए। तो मैंने आलूओं को तो पहले से, जैसे आपको बताया था, मैं आलू बॉईल करके अक्सर रखती ही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं आलू की चीज़, जैसे पराठा हो गया और तुम्हारी सैंडविच वगैरह, ऐसी चीज़ पसंद करते हैं। तो अब बच्चे जब भी फरमाइश करते हैं तो एकदम से फिर आलू उबालना नहीं संभव हो पाता, फिर हम टाल ही देते हैं। तो इसलिए मैं आलू तो अक्सर बच्चों के लिए बॉईल करके रखती ही हूँ। तो बस आलू बॉईल थे तो मैंने कहा चलो सेक देती हूँ। तो आलू की वो मैंने कस के, और बस नमक मिर्च सादा डाला है उसमें, और कुछ डाला नहीं। प्याज वगैरह बच्चे पसंद नहीं करते इसमें, तो उसी तरह सिंपल तरीके से बस मैंने उनको पराठा बनाया है। बना के इनको दे दूँगी दोनों को। फिर उसके बाद चाय का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि 3:15 तो बज ही गए थे, और लगभग अभी 3:30 का ही टाइम हो रहा होगा लगता है शायद, मैंने देखा भी नहीं था उस टाइम। और यहाँ पे कृष्णा राघव भी मुझसे बातें भी करते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं कितना टाइम है और किससे खाएंगे। मैं भी उनसे पूछ रही हूँ। तो राघव के बोल रहा था, मम्मा आज तो मुझे चाय चाहिए क्योंकि ठंड जैसी लग रही है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, बच्चे चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ मैं उसे मना कर रही हूँ बस। तो बस इनको सेक के बच्चों को मैं दे दूंगी अभी पराठा। और मैंने ना राघव को तो दे दिया था, उसने ऐसे ही खाया था, उसको ऐसे ही अच्छा लगता है। और कृष्णा को दे रही हूँ मैं अचार के साथ, उसको मिक्स अचार के साथ अच्छा लगता है। एक पराठा मैंने और एक्स्ट्रा बना लिया था, थोड़ा सा आटा बचा था, तो उसका मैंने कहा बच्चे अगर बीच में मांग लेते हैं तो। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय बनानी भी रख दी थी, क्योंकि इनको कहीं जल्दी जाना था। वैसे टाइम तो नहीं था चाय का, 4:30 बजे करीब बनाती हूँ मैं, 4:30 या 4 बजे। तो पर ये ने जाना था तो इसलिए मैंने जल्दी से चाय चढ़ा दी थी। फिर मैं शाम के टाइम की बात है, तो चाय बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कपड़े गरम, क्योंकि मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ गई है। वैसे हम लोगों को तो भी ज़रूरत नहीं है, पर पापा जी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि वही बुज़ुर्ग हैं। बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए तो ठंड है अभी, तो मैं उनके लिए कुछ गर्म कपड़े निकाल रही थी। और मैं यहाँ पर ढूंढने लगी हूँ कपड़ों को। मैं अक्सर, मेरे साथ होता है, मैं भूल जाती हूँ, मैं ही रखती हूँ और मैं ही हमेशा भूल जाती हूँ कि मैंने कौन से बैग में कौन सा कपड़ा रखा था। ये चीज़ हमारे दिमाग से अक्सर निकल जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि मैं क्या करती हूँ, सारे जो गर्म कपड़े होते हैं वो मैं इसी दीवान में रखती हूँ और बैग में भर भर के रखती हूँ। तो मैं भूल जाती हूँ कि कौन से कपड़े कौन से बैग में थे, क्योंकि पापा जी का मफलर वगैरह था वो ही निकालना था, क्योंकि थोड़ी सी हवा हो गई है तो उनको ज़रूरत थी। और मफलर मुझे यहाँ नहीं मिला था, क्योंकि मैंने रखा तो कहीं और था, मैं ढूंढ कहीं और रही थी, पर बाद में जाके मिल गया था वो। बस मैं यहाँ पे बिस्तर को सेट कर दूंगी दीवान लगा के। इधर भैया मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि भाभी मेरे लिए भी, तो मैंने कहा देख लो जरूरत हो तो मैं निकाल देती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया अभी कि नहीं अभी नहीं चाहिए। तो बस मैं बिस्तर सही करने के बाद फिर मैं, और मुझे भी आगे के काम शाम के करने हैं, क्योंकि खाने की तैयारी भी करनी है। तो जो
होते हैं, अभी हमें तो ज़रूरत नहीं है पर हाँ उनको है भाई, बुजुर्ग शरीर है तो ठंड वंड लगती है ना, तो उनके लिए मैंने निकाले हैं। तो बस अभी मैं नीचे आई थी कपड़े निकालने, और मैं हमेशा खुद में ही रखती हूँ और हमेशा भूल जाती हूँ, उधर उधर ढूंढती रहती हूँ, जबकि मैं बैग वगैरह में रखती हूँ। पर एक्चुअली क्या है ना, मैं एक ही जगह रखती हूँ सबके गर्म जो कपड़े होते हैं, बैग में या बड़े थैले में, कि आसानी से मिल जाए, पर फिर भी ये भूल जाती हूँ इसमें रखे थे या उसमें रखे थे। तो इस चक्कर में पागलों की तरह ढूंढ रही थी इसमें, और निकले वो सेफ में जो चीज़ रखी थी, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें ना पापा के मफलर वगैरह ये चीज़ मैं बाहर के साइड रखती हूँ, पापा को जल्दी ज़रूरत पड़ती है इनकी चीज़ों की, जैसे थोड़ी सी ठंडी हवा चलने लगती है ना तभी, तो मैं बाहर ही रख देती हूँ। तो बस चलिए पहले ऊपर चलते हैं, अभी मैं नीचे आई हुई थी। यहाँ हो रही है मतलब लाइट बंद है, मुझे ऑन करने का याद नहीं रहा था। तो बस अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि नीचे बर्तन थे चाय वाय के उनको रखने के लिए, और मैं बनाऊंगी अभी क्या मेथी की भुजिया बनेगी शाम को, तो मैं सोची उसको साफ कर लेती हूँ पहले। यहाँ मैं बैठ गई थी मेथी को साफ करने के लिए, मेथी बहुत ही अच्छी थी एकदम से फ्रेश, और जो छोटी छोटी मेथी होती है ना देसी वाली वो थी, और थोड़ा टाइम तो लगता है इसको साफ करने में भी और काटने में भी, पर बनती बहुत टेस्टी है ये, और सच में बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। मैं थोड़ी सी बचा दी थी तो मुझे लगा मैंने क्यों बचाई, इतनी अच्छी बनी कि कम पड़ गई थी। तो बस मैं इसको पहले साफ करके फिर इसको मैं काटूंगी, तो मेरे से चाकू से ही कटती है, बाकी जो हसिया वगैरह होता है उसे मैं नहीं काटती। और यहाँ पे बस इसको साफ करके फिर मुझे इसको बनाना है, अभी काटना है। थोड़ी सी मैंने बचा दी थी परांठे वगैरह के लिए इसमें से, तो फिर मैं अभी आ गई थी किचन में फिर से सब्जी बनाने के लिए भुजिया को। तो भुजिया मैंने जो भुजिया बोल रही हूँ बार बार, मेथी को मैंने काट दिया था, और काट के धुल भी धुल के, और जो छलनी होती है ना उसमें मैंने निकाल दिया था जिससे कि उसका पानी निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर दिया है कढ़ाई में सरसों का, उसी में छौंकूंगी मैं। तो यहाँ पे आलू है ना, आलू भी मैं काट ले रही हूँ, क्योंकि भुजिया मेथी को तो मैंने धो के और छलनी में निकाल दिया था तो पानी निकल गया इसका सारा। आलू को मैं अभी काट रही हूँ, आलू को भी मैंने छील के रख दिया था, इधर मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा है जब तक। तो आलू को मैं ज़्यादा मोटे नहीं मीडियम साइज में काटूंगी, बिल्कुल ज़्यादा छोटे भी नहीं और कृष्णा ज़्यादा बहुत बड़े ज्यादा भी चिल्ला नहीं। रहे हैं कृष्णा, और ये भुजिया ना मैं सिर्फ हींग से छोंकती हूँ, बाकी और किसी से नहीं, और बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बनती है मेरे मायके में, मुझे पता ही ध्यान नहीं है कैसे बनती है, क्योंकि भाई जब हम शादी से पहले हमें इतना नहीं किचन में रहता है कि क्या मम्मी बना रही है क्या नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है कि मम्मी कैसे बनाती थी भुजिया का, तो मुझे ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। बाकी और चीज़ तो है, और क्योंकि ये एक तो सीजनेबल होती है मेथी की भुजिया वगैरह, तो इतना हम ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ जिस तरीके से बनती है मैं बस उसी तरीके से बनाती हूँ, तो यहाँ हींग से ही बनाते हैं सिर्फ, बाकी इसमें कोई जीरा या अजवाइन या कुछ और नहीं डालते हैं। तो बस मैं यहाँ पे मैं हींग निकाल रही थी, क्योंकि हींग अभी मैंने जो उसको पीस करके नहीं रखा है, ऐसी साबु साबु सी थी, तो वही मैं कर रही हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भुजिया इतनी टेस्टी बनी थी ना कि बहुत ज़्यादा। तो बस मैं इसमें हींग डाल के, और जो मेरे हाथों से हींग लग गई थी वो मैं मेथी के पत्तों से पोंछ रही थी। तो गेट तेल गरम हो चुका है, यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसमें हींग, और जैसे ही हींग थोड़ी सी वो होगी भुनेगी तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी, बाकी मैं इसमें कोई और मसाला नहीं डालूंगी बिल्कुल भी। और इसको छोंक के मेथी और आलू को इसमें डाल के मिक्स करके और नमक डाल के सिर्फ मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ढक करके। तो और पानी तो इसमें मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि पानी तो हरी सब्जियों से वैसे ही निकलता है, वैसे ही छोड़ती है ये सब्जियां पानी, उसमें पानी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसको चला करके नमक डाल के मैं बस इसको ढक के मंदी बिल्कुल धीमी आंच पे ये करूंगी, और तब तक मैं आटा लगा लूंगी।
इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी डाली थी, और बस इसको हम ढक के देख लेंगे, चला लेंगे एक बार, इसको देख लेते हैं कि भुजिया हमारी गली है कि नहीं। तो भुजिया मेरी मतलब गल चुकी थी बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अभी जो मसाला डालूंगी सिर्फ वही डालती हूँ, लाल मिर्च जो पाउडर होता है वो, और धनिया पाउडर बस। इससे ज़्यादा मैं कोई भी मसाले इसमें नहीं डालती, और इतना टेस्टी बनती है, आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बना के देखिएगा। इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मतलब ये बाहर से आए थे तो इनको पता नहीं था कि मैं भुजिया बना रही हूँ, लेकिन बाहर से आए थे ना तो बोले क्या भुजिया बनी है, मैंने कहा हाँ, कि गली तक महक आ रही है, मतलब जहाँ बाहर तक महक आ रही थी भुजिया की। तो जो 9 बजे खाना खाते थे ना, तो उन्होंने आज 7:30 बजे ही मुझसे खाना मांग लिया था। तो ये देखिए भुजिया इस तरह से बनी है, बहुत ही टेस्टी दिख भी रही है, बहुत टेस्टी बनी भी थी, कम पड़ गई थी, मतलब मेरा कहने का ये है। मुझे फिर लग रहा था कि मुझे सारी ही बना लेनी चाहिए थी, इतनी अच्छी बनती भी है। तो वहाँ पे बस मेरी जो बन चुकी है भुजिया, फिर मैं आटा लगाऊंगी। तो ये मसालदानी वगैरह मैं ऐसे पहुँच के रख देती हूँ। तो यहाँ पे इसी टाइम की बात है, ये आए थे, मैं आटा छान रही थी, नीचे मेरा आटे का बॉक्स आपको पता ही है, इधर राघव भी मुझसे कुछ पूछ रहा है काम का, तो मैं बोल रही हूँ कि ठीक है बेटा, मैं अभी आटा लगा के फिर मैं करती हूँ। तो ये अभी इसी टाइम आए और मुझसे कह रहे थे कि बहुत ही अच्छी भाई भुजिया बनी है क्या आज घर में, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और मुझे गली में से ही पता चल गया था कि खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, हमारे घर की ही खुशबू है ये। तो बस मैं आटा लगा लूँगी यहाँ पे, और आटा लगा के मुझे रोटियाँ बनानी है, क्योंकि ये आज जल्दी खाना मांग रहे हैं। भुजिया से ऐसी चीज़ होती है, इन लोग इसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं यहाँ रोटियाँ सेक के पहले इन्हीं के लिए दे दूंगी खाने के लिए, बाकी तो और लोग सब लेट खाएंगे, तो मैं बना ले रही हूँ रोटी। यहाँ मैंने इनकी प्लेट लगा दी है, भुजिया है, और मैंने चटनी भी बनाई थी इसके साथ, चटनी बहुत अच्छी लगती है, आप बना के देखिएगा। और भुजिया के साथ चटनी का बहुत अच्छा संग होता है, बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे मैं और खाना मतलब जो रोटियाँ हैं वो बना ले रही हूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस अभी बज रहे 9:30, और खाना वाना हो गया, सारा काम हो गया, दूध वो सब जो भी होता है सारा निपट चुका है काम, और मैं आके बैठ गई अपने बेड पे। और ये देखो बेड की हालत, कहीं गन पड़ी है तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ, अभी इसको मुझे सही करना है बिस्तर को, तो ऐसे नहीं, सिंगाड़ा खाओगे? हाय करो, हाय आए ऐसे नहीं, ढंग से हाय करो। किसे सिंगाड़ा खाना है खा लो। सिंघाड़े की पूछ रहा है, इसको अभी बताए मैं आ रहा हूँ। अभी इस टाइम ये सिंघाड़ा खाएगा तो सर्दी नहीं होगी इसे, बताना। नहीं होगी। और ये ना दोनों के दोनों सिंघाड़े बहुत पसंद करते हैं, और दोनों के दोनों इस टाइम खा रहे हैं, फिर मीठा का मीठा हो तो अच्छा रहेगा। सर्दी होगी और फिर हो। चलो तो वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे, एंड अंत तो वीडियो का यहीं पे करूंगी एंड। 9:30 हो रहे हैं, और क्योंकि भाई जल्दी सोएंगे, इनको भी सुलाना है, फिर वीडियो को करूंगी मैं एडिट। तो पता नहीं 12 बजे 1 बजे बहुत टाइम हो जाता है एडिटिंग करने में, तो भाई पता होगा आप लोगों को जो करते हैं वो, तो उन्हें तो पता ही होगा बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर ठीक मैं सोऊंगी, और फिर सुबह भी जल्दी जगने का होता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। और चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी किया करो यार, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। वीडियो अच्छे नहीं लगते क्या मेरे? अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करो, लाइक तो इतना कम करते हो ना कि व्यूज़ के आधे भी लाइक नहीं होते, भूल जाते हो लाइक करना, पहले लाइक कर दिया करो, देखा तो करो पर लाइक कर दिया करो। और मुझे सच बताओ ना, अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ कहना, क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे
झिझक सी लगती है कि क्या रोज रोज कहना आप लोगों से, आप खुद ही समझदार हो। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज ना मैं जो ढूंढ रही थी ना, पापा जी का मफलर ढूंढ रही थी, पागल हो गई मैं उसको ढूंढते ढूंढते, और वो निकला कहाँ सेफ में, जबकि मैं सारे जो कपड़े हैं वो ऐसे दीवान में रखती हूँ बैग में करके, पर जैसे पापा जी का मफलर है और जो मतलब एकदम उन्हें पापा कुछ जल्दी चाहिए होता है, अभी ठंड तो ऐसी नहीं आई है पर उनके लिए तो ठंडे हैं, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो ठंड हो गई शुरू। तो मफलर में क्या करती हूँ कि ऐसी चीजें, मफलर है इनर है, वो चीज में सेफ में रख रही थी पापा जी की, और जब ढूंढ रही थी उधर उधर पागल की तरह ढूंढ रही थी और निकली सेफ में जाके, और मैंने सेफ में देखा ही नहीं क्योंकि मैं मुझे लगा मैंने उसी में रख दिया है। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे। गुड नाइट, टेक केयर।